सत श्री अकाल, मैं अनीता शर्मा खबर लैने लुधियाना तो। अज राजनीति इन्नी गंदी हो चुकी है कि राजनेता अपनी तांक जमाउण दे लई बदमाशां दा भी सहारा लैंदे ने ताकि उन्हां दी छवि ते किसे तरह का कोई दाग ना लगे। अजिहा ही एक मामला लुधियाना दी घोड़ा कलोनी तो सामने आया जिथे इलाका निवासियों ने पुलिस ते आरोप लगाए ने कि पुलिस द्वारा उन्हां नाल धक्केशाही की गई है। उन्होंने द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस द्वारा 12:30 बजे के करीब उन्होंने घर से रेड की गई तो धक्के उन्होंने घर के गेट खुलवाए गए, उन्होंने घर की तलाशी ली गई, इतों तक कि महिलाओं को भी पुलिस स्टेशन लजाया गया। तो इस मामले का समर्थन देने लिए सियासतदान भी पहुंचे। दूसरे पास पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है कि रेड की जरूर गई सी पर उस बदमाश से जिसते कि कई तरह के आरोप ने। इस संबंधी होर की जानकारी मिली है, आओ सुनते हैं। प्रवीण जी, डॉक्टर अंबेदकर कॉलोनी चीमा चौक, गलबात यह हुई जी, एकदम ही पुलिस ने साढ़े दरवाजे भानने शुरू करते। मैं रात की 12:00 बजे 12:15 के करीब 12:30 के करीब गल है, असं पूछा की गल आ, इन्होंने एकदम साढ़े जो अटैक करना होंगे वा चलो चलो बाहर निकलो, गाली गलोच की इन्होंने मुलाजिमों ने, दो तीन मुलाजिम से गग्गू के नाल एक होर से दो से, इन्होंने मेरे को जबरदस्ती अलमारी खुलवाई, कहने खोलो इनू। मैं इच्चे की है जी, इच्चे साडा पैसा तेल हुंदा, ज्वैलरी हुंदी, धी नौ धी दी। इन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, थोड़े जे पैसे पे से वह भी इन्होंने चक ले, मेरे दुध पानी के पैसे पे होंगे खर्चा पानी, वो 10,000 एक चक्या, तो मेरे पर्स से लूज पैसे से वह भी इन्होंने चके, तो बोटी की चीज़ा भी इन्होंने इधर उधर करती, मैंने वो लभिया नहीं। ये 3 नंबर है। हाँ जी, कारण दस्या नहीं सन, बस एकदम रेड करती। मेरा मुंडे विचकार ला आकाश, उन्होंने इन्होंने फड़ के कुटिया, 2-4 थप्पड़ मारे, उन्होंने भी बिठा के ले आए। हाँ जी, असं तो इंसाफ मांग रहे हैं, जो नजायज आया वो नहीं होना चाहिए वा। हाँ जो साड़ी गलती है वो सानू दसो, तुम भी ये थोड़ी गलती है, मुंडे की गलती है, मुंडा पेश करो, असं कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दे, पर इन्होंने इदा करने की बजाय साढ़े ते अटैक कर। मेरा नाम विक्की सोदा, मैं पूर्व सफाई कर्मचारी आयोग का वाइस चेयरमैन और भावादास का राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री हाँ। कल साढ़े डॉक्टर भीमराव अंबेदकर कलोनी चीमा चौंक के अंदर 200 तो 250 पुलिस मुलाजम गए और उन्होंने राजेश दैत्या के घर और उन्होंने नाल लगते लगते जिन्हें भी घर हैं जबरदस्ती उन्होंने खड़काया अंदर गए। लगभग 2 to 12:30 का समा सीगा। वाल्मीकि समाज हमेशा ही प्रशासन का सहयोग करता आया वा, पर इत्थे पक्षपात हो रहा वा, जिथे का जो कोई जनरल समाज का गैंगस्टर कोई गुंडागर्दी करता, कोई गोली चला दिंदा वा, उदो तो उहदी फरारी भी पोलिटिकल लोग कटवा देंदे आ, प्लस उन्होंने 7 नंबर थाने के अंदर बर्गर सैंडविच और कॉफ़ी पिलाई जाती है, और साढ़े राती बहू बेटियां चक के लैके आए। प्रवीण छिंदे कोई गग्गू ना मुलाजम, वो 3 मुलाजम होर सके, उन्होंने 10,000 रुपया जबरदस्ती अलमारी चो कढ़वाया, 500-700 रुपया प्रचीन उन्होंने कोल। अभी तो विजय सांपला जी के को दरखास्त करा कि वाल्मीकि समाज में बचा लो, एससीआं नूं बचा लो, इतने धक्का बहुत हो रहा वा। रेट तो गैंगस्टर का रौला सीगा, जिहड़ा गैंगस्टर हैगा पुलिस उन्हें फड़े, कलोनी वाले आप सहयोग करने तैयार आ, लुधियाना शहर खुद त्राही त्राही है गैंगस्टर तो, नाकामी कहती है लोकल प्रशासन की, लोग पुलिस चाहे कहते गौरमेंट गौर करे तो मिनट च कर ले, ना करे तो ना करे। देखो असी हमेशा अमन शांति वाले लोग रहे हैं, परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने रामायण च भी सिर्फ धर्म ते सिक्ख्या की गल की आ, पर इत्थे राती साडे नाल महाभारत वाला काम होया। डॉक्टर अंबेदकर कलोनी चीमा चौंक के अंदर असी मांग करते हैं कि जे इन्वेस्टिगेशन के जो दोषी आनू गिरफ़्तार किया जाए, अगर राजेश दैत्या जी का बेटा इनवॉल्व आ, अगर उन्होंने कोई जानकारी मिलती उन्होंने सिलेंडर करावे, पर ऐदा ना हो कि कोई जनरल समाज का गैंगस्टर होनू बड़ी बेअदबी ना पोलीटिकल प्रशासन सरकार मदद करे, और जो कोई वाल्मीकि समाज का हैगा वा, असी किसी गैंगस्टर का चाहे कोई भी होवे, किसी भी समाज का होवे, असी उहदी कोई पक्षपात नहीं करते, कोई उहदी सिफारिश नहीं करते, पर असी गुंडागर्दी भी ना गैंगस्टर वालों ना लोकल प्रशासन वालों इदा जिवें धीआं भैणां राती चक के लैके आए, धक्का मुक्की की, बदतमीजी की। असी इत्थे वाल्मीकि समाज का डॉक्टर अंबेदकर कलोनी के सारे समूह निवासी आए हैं, साढ़े लुधियाने शहर के अलग अलग जथेबंदियों के नुमाइंदे अंदर मानयोग ए सी पी बरियान सिंह भी गल कर रहे हैं, पर जे इंसाफ ना मिले तो असी जल्द ही एससी कमिशन विजय सांपला जी को फिर बेनती करांगे कि साडे समाज नूं बचा लो, एससीआं नूं बचा लो, जिहड़ा हुण धक्का हो रहा वो कभी भी नहीं होया, किसी नूं बख्शा ही नहीं जा रहा। जो कि बड़ा निंदनीय योग है, और बच्चे भी 14-15 बालक बच्चे ने, कहते माँ बाप को बच्चे बुलाया गया, कुछ बच्चे भी लिया, तो अभी सर ने कहा कि अपने बच्चों को जाओ,
देखो ये सारे लोग जानते भूपेंद्र डावर किस तरह का बंदा है, मेरी नेचर की है, कभी मेरी सोच है ना मेरी है, और मैं तो लगातार यही बार बार कह रहा कि जोड़ा भी बंदा क्राइम से है राजनीति सियासत बीजेपी इल्जाम लाते हैं और की पता है उन्होंने बंदे इस करके निजरिया गल् राजनीतिक तौर पर होंगे उही बंदे अज अंदर बैठे ने कहते यार सू राजनीतिक तौर पर बोलना पैदा ये गंदी राजनीति कर रहे हैं भूपेंद्र डावर ना इस बारे सोच रखता है ना रखनी है और गुंडाइज़म से मैं बिल्कुल खिलाफ तीन बंद की जिम्मेवारी लैके जा रहे सारे पोलिटिकल बंदे उन्होंने लिखा लिया भी जो संपर्क के बंदे है वो पेश कर दो नहीं तो तुम मुड़ के किसी का मगर नहीं आऊंगे सारिया पोलिटिकल पार्टियां के बंदे कांग्रेस बीजेपी अकाली सारे आश्वासन देकर जा रहे हो तमाम पार्टियां आश्वासन देकर जा रही है कि बंदे पेश कराए जाएंगे अगर जिन्हें बंदे उन्होंने माँ बाप ने आश्वासन दिता असं तो यह लिख के दिता असं मुड़ के इन लोगों की पैरवाई नहीं समय समय तीन दिन देखो साढ़े चीमा चौंक के कोल घोड़ा कलोनी के कोल साढ़े पंडित रजेश जी ने और उन्हों का जो तीन चार दिन पहलों जरा तो पता ही जी इतने लड़ाई झगड़ा होया वो लड़ाई झगड़े के जोड़े अठारह सालों के भी साल के बच्चों ने एक दूजे के हमले किए हैं और काफ़ी मेरे ख्याल तीन चार महीने तो चल रहे हैं जोड़ा कि मैं पहलों ये ख्याल कही भी जे पुलिस अफसर ने जो पहलों अच्छ तो जिन्नी अच्छ सख्ती की हुई जो तीन चार महीने पहलों इन्नी सख्ती की होंगी तो अजय नौबत ना आती और राति साढ़े रजेश जी ने कार्यकर्ता ने उन्हों का बेटा इनरोल होएगा और मेरे को पकौड़ा है और राति परिवार को और जोड़े होर तीन चार लड़के ने उन्होंने चुके लिया एक लेडीज़ ने भी चुके लिया तो मैं सी पी साहब ने कहना अपने ए सी पी साहब बरियाम सिंह ने गल की कि देखो जो लड़के ने किसी ने लोगों ने बेदखल किए हैं अपने घर च नहीं बढ़ देंगे पर घर आ भी जाते हैं जो बेदखल किए तो भी आ जाते हैं पर तुम उन्होंने जो पकड़ो असं बिल्कुल साथ दें चार दिन तो रोला पा रहे हो कि हल्का सेंटर लगातार वारदाता होंगे ने लेकिन सुंदर टावर अभी आते तो साफ साढ़े उत्तर इल्जाम लगाने कि गुरदेव सिंह देवी अब की करना है लोगों ने जो पकड़ा ही अब उन्हें स्पोर्ट पिछले क्यों आए हैं डावर साहब को मैं कहना चाहना तुम तो दलित समाज के उपर अज उन्होंने लड़कियों को लिया के अंदर करोगे तो देवी घर बैठा रहेगा जो मुजरम है उन्होंने पकड़ो दलित समाज है तुम उन्होंने लड़िए उन्होंने कोई कोई वाली वारस नहीं है मैं इस तक बिल्कुल नहीं होगा डावर साहब सुनो देवी साहब उन्होंने साफ किया है कोई मुजरिम जोड़ा है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए है तमाम पॉलिटिक्स जो इतने पहुंचे ने उन्होंने अच्छ पहुंचने का मतलब की सर मैं भी कह रहा जी जो मुजरम ने उन्होंने बिल्कुल उन्होंने पकड़ा जाना चाहिए है पर जो मुजरम है नहीं मैं कल देख रहा मैं जो खून जो कोई मुजरम ने मैं कहीं सट लग गई लड़ाई झगड़े सट लग गई कुछ लोग सट लग गई अगला कदम खून देने चले जाइए किसी का पता लैन चली जाइए जोड़े खून देन गए उन्होंने पकड़ के उन्होंने अंदर किया गया जोड़े पता लैन गए उन्होंने अंदर किया गया जोड़े मेन जो मुजरम है उन्होंने क्यों पकड़े थोड़े को वीडियो है उन्होंने पुलिस उत्ते दबाव सीगा पुलिस वेरीफिकेशन तो करूगी करूगी वेरीफिकेशन जी लड़कियों चुके करनी है लड़की कि चुकी लड़की राती है लड़की चुके लेंगे तो रजेश की सिस्टर चुके ठंडे लिया जी ये कौन बर्दाश्त करेगा लेकिन पुलिस अपना काम करिए तो पुलिस काम के बिल्कुल पाया जाता है बिल्कुल करना चाहिए जी उन्होंने पकड़ो ना जिन्होंने जो मुजरम है पुलिस वेरीफिकेशन कितों करूगी कितों करेगी मैं कहना लियाओ तो सारी रात तुम उन्होंने बिठा के इतने रखोगे पुछ के पुछगिछ करके उन्होंने छड़ दो जो तो जो उन्होंने अनमोल है उन्होंने पकड़ लो लेकिन अच्छे तमाम लीडर पहुंचे तो कोई साइन सून किए ने कुछ कि तीन दिन बाद जो अपराधी जो मेन है पकड़ाया जाऊगा बिल्कुल जी असं यही गल कही जो परिवार ने उन्होंने कहा भी देखो अब तुम अभी लैके जा रहे हैं सारे डावर साहब इतने आए थे और सारे ने इकट्ठे ने दानव साहब आए थे साढ़े चौधरी यशपाल जी भी और भी सारे तीन चार लोग से जिन्होंने उन्होंने कहा भी जी जे लड़के भजे हुए हैं उन्होंने तीन दिन के जरा असी कोशिश करा परिवार मिल के असी पेश करावे क्यों कि जो बाकी लोग ने परिवार के लोग ने होर उन्होंने माता ने उन्होंने भैन ने उन्होंने दुखी ना किया जाए परेशान ना किया जाए अगर तीन दिन बाद ना पकड़ा कामयाब हो फिर इतने की करोगे नहीं फिर अभी देखो पुलिस का साथ देंगे जो मुजरम है उन्होंने पकड़ने के उन्होंने साथ देंगे और अभी भी उन्होंने साथ दे रहे ये सारे लोग ने जे कहते शहर च गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए तो जो पुलिस गुंडागर्दा से नत्थ पाँदी है तो फिर ये लोग फिर आते हैं जी ये गलत हो गया ये गलत हो गया अज्जू नाँ का मुंडा जिहड़ा तुसीं देखिया पिछले दिनों दे विच कई वारदातां करतीआं फायरिंग भी करती कल साढ़े कोल रात आउंदी इनफॉर्मेशन सी
उस मुकदमे की तफ्तीश के संबंध में असं गए थे जेडे अज्जू के एसोसीएट ने जेडे अज्जू के नाल तालमेल आ जेडे अज्जू के नाल घूमते हैं उन्होंने पूछ गिछ लई बुलाया सी। ये लोग उन्होंने पिछे आए थे तो इन्होंने खुद की जिम्मेवारी लैके जिन्हों में सारिया पार्टिया के नुमाइंदे तुसीं देखे है इन्होंने जिम्मेवारी ली है कि तीन दिन के असी हम पेश करा सर लगता नहीं जी कि ना कि जी पोलिटिकल इनवॉल्वमेंट जो गुंडागर्दी सर शहर क्योंकि तुम सारे ने अब सारा सीन अखी देख लिया तो मैं इस बात कुछ नहीं कहना चाहता। पुलिस ने भी रोक लगाई जा रही है 10,600 रुपया लेके अलमारी खुला के पैसे ले ले जनानियां दे कुमा चक ली। तुसी ये देखा कि ये एलीगेशन कौन ला रहा है अज्जू दे पेरेंट्स पुलिस नूं डीमोरलाइज कर ले कि साडे घर ते रेड ना होवे दोबारा लेकिन फिर भी मैं एप्लीकेशन ली है जे कोई इदां दी गल होई अज्जू तक पहुंच सकी लेकिन हुण लीडर ने जिम्मेवारी ले ली अज्जू तिना दिनां च पेश करावांगे मैं ये नहीं कह सकता कि लीडर के संपर्क ने लीडर लोगों पिछे आए थे और उन्होंने जिम्मेवारी ली है कि असं तिना दिन पेश करा नहीं इदा की गल नहीं होंगी क्योंकि हम इलेक्शन का टाइम है तो वोटा लैन लिए लीडर सारे जड़े आते इदा की गल नहीं कि लीडर ने कोई पाले हुए ने इदा का कोई रोल लेकिन पुलिस कार्रवाई जो करती है उस समय ही तमाम लीडर ने पुलिस उत्ते ऐसा दबाव बनाने की कोशिश क्यों करते हैं कि पुलिस जी है दबाव हेठा काम करे तो उन्होंने कई बार धमकियां भी दिखाई जाती है कि तेरी बदली कर दी जाऊगी या तेन इस इलाके रहने दिता जाऊगा उस डर के मारे भी कई पुलिस मुलाजिम इन्हों के हेठा वो अपराधियों छड़ने कई बार हो जाते हैं कि दबाव हेठा काम करना पैदा विराम जी देखो जी पुलिस ददलियाँ वो इन्होंने हाथ च नहीं वो साढ़े कमिश्नर ऑफ पुलिस के हाथ च ने लेकिन ये लोग नो डाउट के प्रैशर बनाते हैं जिवें तुसीं अज सवेर का देखा कि सवेर का थाने के बाहर बैठे जो इन्हों ये कहा गया भी जो तुम पेश कर दो तो जी सू पुछ गिछ कर लेंगे तो ये लोग तुम भी सवेर का देख रहे हो हूँ जदों असी इन्हों कि तुम जिम्मेवारी दो तो तीन दिन का टाइम मंगया से मैं तुम जिम्मेवारी दो तो जो जिम्मेवारी तो फिर भजने भी शुरू हो लेकिन तीन दिन बाद उन्होंने अपराधी ना पकड़ाए तो पुलिस अपने को की कार्रवाई करेगी पुलिस अपनी हर वो एफर्ट करेगी जिंदे नाल दोषी फड़ के अंदर दे दिए लीडर ने यह वादा किया भी जे तिना दिन बाद पुलिस फिर हरकत चाहती है नहीं पेश होंगे असी इन्हों का साथ नहीं दें लिखत देखो जेड़ा क्राइम करेगा उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी चाहे वो एक बारी करे चाहे वो 10 बारी करे जेड़ा भी कोई क्राइम करेगा पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लुधियाना तो प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट। फ्री लीफ आयुर्वेदिक ऑयल 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज जिमें गठिया सर्वाइकल माइग्रेन अते शरीर में किसी भी किस्म की दर्द क्यों ना हुंदी होवे इतों तक कि ब्लॉकेज के नाल बनिया कई बीमारियों का इको एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल यानी कि 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं वजन घटाओ तो खुश हो जाओ फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियांदा है रौनक फ्री रिलीफ पावर कब्ज़ तो परेशान होण दी हुण जरूरत नहीं है कब्ज़ तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज़ हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज़ तो छुटकारा पाओ हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087 नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087